फ्राई, ये एक अनोखे स्टाइल से भिंडी फ्राई रहेगी और इसको आप ये वीडियो पूरा देखिए, इसको आपको एंजॉय करने को मिलेगा। भिंडी की कटिंग भी स्टाइल से है, ये देखिए, इसको चार टुकड़े कर लिए ऐसे। ये तरीके से सारी भिंडी हमने कट कर रहे हैं इसको, और ये होगी भिंडी की कटिंग। इसके अंदर हमको लगेगा भिंडी, एक 200 ग्राम या 1 पाव भिंडी बहुत हो गया। 1 पाव भिंडी के साथ में 4 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची, हरी मिर्ची लिए हैं 3 से 4, और भिंडियों को ऐसे इस तरह से कट कर लिया है। और उसके बाद में हम करेंगे फ्राई, और कुछ मसाले रहेंगे जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, धनिया, नमक, बस साधारण मसालों से ये भिंडी फ्राई बनेगी। लेकिन एक बार आप ये ट्राई ज़रूर कीजिए, इसका खा के आपको स्वाद मालूम चलेगा क्या स्वाद है। चलिए तो फिर हम चालू करते हैं भिंडी का रेसिपी, हमारा भिंडी फ्राई का। तो अब हम तवा रख लिए हैं, नॉर्मल तवा जो है, आप मेरी वाइफ ने इस पे भाकरी बनाई हुई है। अब इसको आपको कुछ तेल भी नहीं डालना है, ओनली भिंडी को इस तरीके से रख देना है। सारी भिंडियाँ सजाना है इस पे, ये अलग अलग भिंडियाँ हैं, और उसके बीच में एक एक टमाटर रख देना है। जो भी आपके पास में घर में जो भी तवा रहेगा या कढ़ाई रहेगी, इस तरीके से आप इसको सेक सकते हैं। सेकने का है पहले अपने को, तो सारी चीज़ अपने को अच्छे से इस तरीके से आप सारे लगा सकते हैं इसमें। बीच बीच में टमाटर रख दीजिए कि उसका जो रस रहेगा ना इसमें ऑटोमेटिक, ऐसे भिंडी के अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो भिंडी स्वाद नहीं बनती है, लेकिन अभी ये टमाटर के साथ में इतनी स्वाद बनेगी कि आप अंगुली चाटते रह जाएंगे इस तरीके से। ये मैंने भी एक फ्रेंड के यहाँ पे देखा था, तो वो अलग तरीके से बनाता था, तो मैंने ये ट्राई किया और मुझे स्वाद लगा। तो ये आप भी ट्राई कीजिए अपने फैमिली के लिए, काफ़ी अच्छा तरीका है। अभी हम कुछ नहीं डाले हैं इसमें, तेल विल अभी तक कुछ नहीं डाले हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा तवा गर्म हो रहा है, मैं हाई फ्लेम पे रखा हूँ तवे को। स्टार्ट में हाई फ्लेम पे रखे कि भिंडी वो जैसे अभी बोलते हैं आँच लग जाएगी उसको अच्छी सी। अब हम ऊपर इसके अंदर ऊपर मिर्ची डाल देंगे कि मिर्ची का फ्लेवर, तो मिर्ची चाहिए तो आप कोने के साथ में भी डाल सकते हैं, हम बिना कोने के डाल रहे हैं, अब बिना के कोने के भी डाल दीजिए। अब ये हो गया, अभी इसके ऊपर आपको एक चीज़ डालनी है, वो है सॉल्ट, स्वाद के अनुसार नमक है, ये नमक स्प्रिंकल कर देना है आपको। बस अपना नमक स्प्रिंकल कर दिया इस तरीके से। अब आपको एक फूक लेने का है, फूक लेने का है, ये फूक लिया आपने, और थोड़ा सा इसको फूक से होल कर दिया, ज़्यादा नहीं करना है, ये तो पानी छोड़ देगा। फूक से होल इसलिए कर रहे हैं कि वो नमक का जो है इसके अंदर जाए, फ्लेवर इसमें जाए, नहीं तो वो आपको थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा। वापस से थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर दिया, अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। हमने गैस को हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, अब नमक के बाद में इसमें जाने वाला है मसाले, जो हमने बोला था लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। देखिए स्मोकी आने लग गया, मतलब कि हमारी भिंडी जो है पकने के लिए, सिकने के लिए तैयार हो रही है, टमाटर भी सिकने के लिए तैयार होएगा। हमने ये नमक मसाला डाल दिया, धनिया डाल दिया। अब ये स्मोक आने के बाद में आप हल्दी डाल दिया, अगर
गरम मसाला जो है वो लास्ट में डालना है। जीरा डालना है तो डाल लीजिए, ऑप्शनल है, किसी को जीरा अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। अब ये स्मोक अच्छे से आ रही है, तो स्मोक आने के बाद में जैसे कि आपको कैमरा में दिख रहा रहेगा स्मोक आ रही है, स्मोक अच्छे से आने के बाद में शुद्ध गाय का घी डालना है। एक चम्मच शुद्ध गाय का घी बाजू में से आपको डाल देना है। अब आपको गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देना है, एकदम से लो कर देना है। टमाटर पे भी डाल लीजिए थोड़ा सा, गैस का फ्लेम लो कर देना है अभी एकदम से लो। एक चम्मच बहुत हो गया, ये स्मोक आएगा एकदम से अच्छा तड़का की वजह से। और अभी इसको आपको ढक देना है किसी भी चीज़ से, आपके घर में जब भी रहेगा। मैंने यहाँ पे थाली से ढक रहा हूँ, थाली से ढक दिया। 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देना है। 5-7 मिनट हो गया है, मैं बीच में एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि भिंडी हुई है नहीं हुई है। ये हमारी भिंडी रेडी है एकदम से, टमाटर भी पक गए हैं, ये देखिए टमाटर एकदम से पिलपिले हो गए, आप देखेंगे तो फट भी गए हैं। ठीक है, टमाटर भी पक गए हैं, भिंडी भी रेडी है। अब थोड़ा सा और 5 मिनट हम रहने देंगे, इसमें इस पर क्रंचीनेस आ जाएगा इसको। तो इसको वापस से हमने इसको ढक दिया, 6-7 मिनट मैंने पकाया है, वापस से इसको ढक दिया। अभी हमने 7 मिनट पहले रखा था, उसके बाद मैं एक बार चेक कर लिया, और अभी 3 मिनट और हो गए, 3 से 4 मिनट, मतलब टोटल 11 मिनट हो गए। एकदम से लो फ्लेम पे करना है, हमें पकाना है। अब इसमें खुशबू आने लग गई एकदम से, भिंडी की, टमाटर की और शुद्ध देसी घी की खुशबू बहुत सुंदर आ रही है। तो अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको गैस को क्लोज़ कर देंगे। गैस को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में इसको वैसे कि वैसे इसको देखेंगे कुछ नहीं, 10 मिनट के बाद में इसको खोल के देखेंगे, हमारी भिंडी फ्राई रेडी रहेगी। अभी 10-15 मिनट हो गए, हमने गैस फ्लेम बंद कर दिया था, अब इसको ओपन करते हैं। तवा भी ठंडा हो गया, सब्जी भी ठंडी हो गई है, ये हमारी सब्जी रेडी है। अब इसको यहाँ पे पहले हम टोमेटो को साइड में निकाल लेते हैं, टमाटर को अलग से निकाल लिया। टमाटर को हमने एकदम से साइड में निकाल लिया, टमाटर पक चुके हैं एकदम से, रेड टमाटर हो चुका है। चारों के चारों टमाटर हमने साइड में निकाल लिया, भिंडी को वैसे ही रह दिए हैं। ठीक, अभी टमाटर का रस जो है वो तो इसमें आ गया है, अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, जो सारा मसाला जो है इसके अंदर आ जाएगा। मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि उसको कि हमने नमक वगैरह मिलाया नहीं था, अब ये सारा चीज़ मिल जाएगा तो इसका टेस्ट जो है आप उंगली चाटते रह जाएंगे, इतने अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और हम इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे, सर्विंग बाउल के लिए। सर्विंग बाउल में डाल दिए हैं, ये टमाटर इसके ऊपर डाला जाएगा। टमाटर को आप ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आपके हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम कोरिएंडर लीफ गार्निश कर देंगे, ये सीजर से मैंने सारा चीज़ काटा है, कोरिएंडर लीफ थोड़ा गार्निश कर देंगे। और ये अभी हमारी भिंडी फ्राई विथ टोमेटो एकदम मस्त पकी रेडी है। थैंक यू। फ्राई और टमाटर रेडी है, आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और डिशेस देखने के लिए। थैंक यू।